हेलो स्टूडेंट न्यू चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड का आपने ऑलरेडी स्टडी किया है इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म में ओके मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपने मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी किया है लेकिन यहाँ हम क्या स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका हम स्टडी करने वाले हैं ओके okay. अब इसके लिए जो हमने इलेवंथ में कंसेप्ट देखे थे व्हाट इज मैग्नेटिज्म वो आपको पता है व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड वो आपको पता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं लाइंस उसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने कहा था उसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसी सेम होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जैसी सेम होती है तो वो टॉपिक आप एक बार रीड कर लो मैग्नेटिज्म का इलेवंथ का चलो अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये पहले स्टडी किसने किया सो so इन 1820 हांस क्रिस्टियन और फर्स्ट डिस्कवर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर तो फर्स्ट ये 1820 में डिस्कवर हुआ और फर्स्ट इसको डिस्कवर किया उसने क्यों ऑब्जर्व किया कि अगर ये वायर है अगर वायर है और वायर के साइड में मैगनेटिक निडल है या कंपास है मैग्नेटिक नीडल या कंपास से जैसे ही करंट इसमें से फ्लो करना स्टार्ट करता है तो ये कंपास में डिफ्लेक्शन आता है कंपास में क्या आता है डिफ्लेक्शन तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती है नीडल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती है अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दूँ वायर से सो so नीडल का डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में जाता है तो ये इसने ऑब्जर्व किया तब तब उसको पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ रिलेशन है तो बिकॉज ऑफ दिस उसको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड है जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होता है डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होता है देन जितना स्ट्रांग हम करंट इसमें से फ्लो करेंगे उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा जितना कम करंट फ्लो करेंगे उतना डिफ्लेक्शन कम होगा ये हांस क्रिस्टियन ओवर ने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था इन एटीन ट्वेंटी देन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर और स्टडी किया नो लेटर गॉस हैंनरी फेरेडे एंड अदर शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इन सारे साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही अच्छे दोस्त है ऐसा हम बोल सकते हैं या एक दूसरे को ये को एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं देन उसके बाद मैक्सवेल थेरोटिकल वर्क हाईलाइट्स क्लोज रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सो मैक्सवेल ने थेरोटिकली फॉर्मूला बना के ये प्रूव कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिलेट करते हैं तो उसने रिलेशनशिप प्रूव कर दिया यूजिंग फार्मूला दिस रिजल्ट इन टू सेवरल एप्लीकेशन इसके वजह से इनकी स्टडी की वजह से सेवरल एप्लीकेशन हमने डेवलप कर लिए है एग्जाम्पल एप्लीकेशन के इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ये कुछ एग्ज़ाम्पल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये डेवलप हो गए दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अब इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है ओके नाउ इन प्रीवियस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने क्या स्टडी किया स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल और स्टैटिक चार्ज हमने किसका स्टडी किया स्टैटिक चार्ज का एंड फोर्स एक्जर्टेड बाय देम ऑन अदर चार्ज और अ टेस्ट चार्ज तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है आया? टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है ये हमने उस चैप्टर में स्टडी किया इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं वी नाउ कंसिडर फोर्स बिटवीन चार्ज इन द मोशन अब चार्ज अगर मोशन में होता है अगर इलेक्ट्रॉन में मोशन में है चार्ज मोशन में है तो वो क्या डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप करेगा वन सगैन मैग्नेटिक फील्ड उसके वजह से जो भी फोर्स अप्लाई होगा उसकी वजह से जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है तो अब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मोशन मोशन में चार्ज है उनके बीच में कौन सा फोर्स रहेगा वो हमें स्टडी करना है तो अब इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज हेल्ड इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द करंट कैरिंग वायर इट शोज दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कलिंग अराउंड अ वायर तो अगर ये वायर है ओके okay, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इसमें से क्या फ्लो कर रहा है करंट फ्लो कर और यहाँ हमने कंपास रखना स्टार्ट कर दिया मैग्नेटिक नीडल रखना स्टार्ट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा एक डायरेक्शन मिलेगा यहाँ पॉइंट मिलेगा मुझे नॉर्थ साउथ तो वह वन सेकेंड में इस पॉइंट पर कंपास रखूँगा वापस मुझे डायरेक्शन मिलेगा ऐसे अगर मैं कंपास रखता जाऊँगा और इसका पोजीशन में नोट डाउन करूँगा नीडल का तो नीडल क्या बनाएगा सर्कल बनाएगा क्या बनाएगा सर्कल तो वायर के अराउंड में अगर मैं कंपास रखता हूँ और वो आगे आगे मूव करता हूँ या सारे कंपास में रखूँगा तो उस कंपास से मुझे क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड सर्कलिंग अराउंड अ वायर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो सर्कल कर रहा है वायर के अराउंड अब इसकी वजह से एक रूल हमने स्टडी किया है टेंथ स्टैंडर्ड में आपने एक रूल स्टडी किया होगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं ओके okay. तो वो रूल हम वापस एक बार देख लेते हैं क्या है वो रूल अब देखो यहाँ वायर है वायर से करंट फ्लो कर रहा है आई इज द डायरेक्शन ऑफ करंट जब करंट पास करेगा हमने इस प्लेन में हम अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते तो हमें क्या मिलेगा सर्कुलर रिंग्स मिलेंगी मैग्नेटिक फील्ड की अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन दैट करंट कैरिंग वायर इज ग्रैप्ड विथ योर राइट हैंड विथ द थम पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन योर फिंगर कल अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके अगर हम वायर को पकड़ते हैं राइट हैंड में अगर हम वायर को राइट right हैंड में पकड़ते हैं तो क्या होगा इस तरह से अगर हम वायर को पकड़ते हैं अब जो ये पेन है वे ये वायर है और इस वायर को राइट हैंड में हम इस तरह से पकड़ते हैं सो so, थम क्या पॉइंट कवर करेगा थम पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट थम क्या पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर फिंगर क्या इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये होगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करेगा जिस डायरेक्शन में फिंगर ने कर्व किया है इस डायरेक्शन में ऐसा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करे और थम इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये हमने ऑलरेडी टेंथ में स्टडी किया इसे हम कहते हैं राइट हैंड थम रूल राइट हैंड थम रूल सो जब हम थम हमें क्या इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कॉल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है अब बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू करंट मीन्स चार्ज करंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करते हैं ओके तो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट अपवर्ड जाएगा और चार्ज डाउनवर्ड तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये समझ में आ गया और मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन नेक्स्ट इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो यहाँ हम लेक्चर हमारा स्टॉप करते हैं थैंक यू